तो आज हम रिव्यू करने वाले डिजिटेक की तरफ से आने वाला लाइटवेट डीवी ट्राइपॉड, मॉडल नंबर इसका DTR550LW। आप इसे मोबाइल और कैमरा दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि आपको थ्री वे हेड मिल जाता है, स्टेडी रेबलाइज लेग्स मिल जाती हैं ताकि फिसलता नहीं है, कन्वेंट एसेसरी लुक यानी आप इसे वेट टांग सकते हैं ताकि हिले डुले ना, बबल हेड मिल सकता है आपको जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड दोनों पर आप यूज़ कर पाएंगे, और मल्टीपर्पज़ हेड मिल जाता है कैमराज के लिए। मॉडल का नाम है DTR550LW, ये याद रखिएगा। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो आपका मैक्सिमम लोड 5 किलो तक उठा सकता है। इसकी जो हाइट वो लगभग 5.57 फीट तक जाती है और छोटा करने पर 615 mm तक। मैक्सिमम डायमीटर जो 26.5 mm है और ये रबर साइज का डायग्राम दिखा है। खुद का वेट इसका जो है 1.2 किलोग्राम है, उसके तीन सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। बात करें तो बॉक्स में कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं आपको बता दूं बिल्ड क्वालिटी से कमाल की, आपको काफ़ी प्रीमियम लुक पसंद आएगा। पकड़ने में काफ़ी हैवी है और जिससे आपको पता लग जाए कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, तो आप इसे रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं अनलाइक बाकी ट्राइपॉड्स की तरह। बिना कोई सेक्शन ओपन के इसकी हाइट जो लगभग 2 फीट तक जाती है बाकी ट्राइपॉड्स की तरह ही। वेट इस ट्राइपॉड का लगभग 1 किलो 200 ग्राम है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है वो काफ़ी अच्छी मेटल्स की दी गई है, काफ़ी अच्छे मेटल की दी गई है। सभी सेक्शन ओपन करने के बाद इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट तक चली जाती है, और इतनी हाइट काफ़ी है अगर आपको स्टडी लेक्चर बना रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एक रील्स बना रहे हैं, तो इतनी हाइट काफ़ी है एक पर्टिकुलर हेडबोर्ड की, ट्राइपॉड की। ऊपर की तरफ आपको काफ़ी मजबूत पैन हेड भी दिया गया है जिसे आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। पैन का जो हैंडल है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है ताकि आप इसे आसानी से टिल्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, और 360 डिग्री पर आप इसे घुमा भी सकते हैं। जो बाकी जो 500-700 ट्राइपॉड आते हैं उनमें इतना बड़ा हैंडल नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको पकड़ना इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, लेकिन इस ट्राइपॉड में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। साथ ही ट्राइपॉड को पकड़ने के लिए यहाँ आपको स्पेक हैंडल दिया गया है ताकि आप इसे लेग से ना पकड़ सकें, क्योंकि जनरली आप लेग से अगर ट्राइपॉड को पकड़ते हैं तो टूटने का डर रहता है उनके लेग्स के हेड्स का। नीचे आप कैरी कर सकते हैं कुछ भी वेट्स वगैरह ताकि इसे और स्टडी बना सकें। इवन आप पैन हेड को ओपन करके ट्राइपॉड मोड पोर्ट्रेट मोड में भी अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं इस ट्राइपॉड की हेल्प से, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। अब बात आते हैं कि क्या आपको ये 1200 से 1500 में मिलने वाला ट्राइपॉड लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मार्केट में इतनी ही हाइट का ट्राइपॉड आपको 400 से 600 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, और क्योंकि हमें सिर्फ मोबाइल से ही रील्स या लेक्चर या वीडियो शूट करनी है तो इतना महंगा ट्राइपॉड क्यों लें। वेल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इससे पहले मैं भी एक 500 रुपये वाला ट्राइपॉड ही यूज़ करता था, बट प्रॉब्लम ये है कि 300 से 600 के रेंज में आने वाले ये बजटी ट्राइपॉड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लाइक उनका पैन हेड और लेग्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं या फिर लूज़ हो जाते हैं, तो जब भी आप लूज़ हो जाते हैं तो आपको जुगाड़ करके इसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिससे होता यह है कि आपका मोबाइल गिरने का पॉसिबिलिटी जो है बना रहता है, और मेरा तो 2-3 बार मोबाइल गिर चुका है जिससे उसकी स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गई थी। तो अगर आपका कंटेंट ऐसा है जहाँ आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए और कभी कभी शूट करने को मिलता है, तो आप 500 से 600 रुपये वाला ट्राइपॉड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप का मोबाइल ज़्यादा हैवी है या आप ज़्यादा मूवमेंट वाली ट्राइपॉड यूज़ करना चाहते हो, जहाँ अच्छे बी रोल शॉट्स देना चाहते हो, मूवमेंट दिखाना चाहते हो, क्योंकि जो डिजिटेक का जो हैंडल है वो काफ़ी बड़ा है और जो पैन हेड है वो काफ़ी स्मूथ है मूवमेंट्स के अंदर, और अगर आप रफ़ एंड टफ यूज़ करते हैं चीज़ों को, लाइक ज़्यादा संभाल के रख नहीं पाते, तो आप ऐसे में आपको एक अच्छी क्वालिटी वाला ट्राइपॉड लेना चाहिए, और डिजिटेक एस इस चीज़ के अंदर बेस्ट है, क्योंकि सस्ते ट्राइपॉड बहुत जल्दी टूट जाते हैं अगर उनका रफ़ एंड टफ यूज़ किया जाए, और ऐसे में अपना फ़ोन में डैमेज कर सकते हैं। यही रीज़न था कि मैंने इस बार ट्रेडिशनल चीप ट्राइपॉड की जगह डिजिटेक को चूज़ किया। तो 1200 से लेकर 1500 तक के बीच में इसका प्राइस रहता है। अभी सेल के टाइम में आपको 1200 से 1300 में मिल जाएगा, कैशबैक मिला के आपको लगभग 1000 रुपये का पड़ सकता है अगर अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं तो। तो 1200 से 1500 के बीच में अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक तो बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। जो ग्रिप है इसका फ्लोर के ऊपर वो काफ़ी अच्छा है, आपका जो ट्राइपॉड ज़्यादा फिसलता नहीं, आपके अगर हल्का फुल्का पैर लग जाता है तो भी ये ट्राइपॉड जो है अपनी प्लेसेस रखता नहीं है। दूसरा, जो मूवमेंट है इसका पैन हेड का और हैंडल्स का वो काफ़ी स्मूथ है, आपको वीडियो शूट करते वक्त काफ़ी फील होगा। दूसरा, जो ये एक्चुअल ट्राइपॉड जो है जो आपके कैमरा को भी हैंडल कर सकता है। बजट ट्राइपॉड जो दूसरे आते हैं 500-600 रुपये वाले, उसमें भी कहा जाता है कि आपका कैमरा हैंडल कर लेगा, पर उसमें कैमरा हैंडल नहीं होता है। डिजिटेक आसानी से अच्छे से आपका कैमरा जो है हैंडल कर लेगा। दूसरा, जो उसकी लाइफ है वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अच्छी बिल्ड क्वालिटी है तो जल्दी से टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता, आप इसे रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक लंबे समय तक के लिए ट्राइपॉड लेना चाहते हैं तो डिजिटेक 550LW एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। 500 से 600 रुपये जो बजट ट्राइपॉड आते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी एक तो ख़राब है। तो अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो महीने जो हफ्ते में 1 या 2 बार शूट करते हैं और एक और अपनी वीडियो में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं चाहते, तो आप एक सस्ता ट्राइपॉड ले सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक चाहते हैं और एक ऐसे वीडियो शूट करते हैं जहाँ आपको मूवमेंट्स अच्छी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म भी चाहिए, आपको एक बढ़िया क्वालिटी भी चाहिए और आपको जो है मूवमेंट्स करने में इजी भी हो, तो ही आप डिजिटेक 550LW को कंसिडर कर सकते हैं।